Slum and pavement dwellers make up 60% of Mumbai's population, but occupy just 15% of its space. धारावी रहने के लिए कैसी जगह है? धारावी में तो मैम लड़कियों को इतना नहीं देते, इंडिपेंडेंट जिंदगी नहीं देते, क्योंकि उसका भी हक है ना जीने का हिस्सा. But at the top of every girl's wish list here is a private toilet. Because across shanties in India's cities, the lack of one can make the difference between safety and sexual assault. Half of the ones that exist, yeah, don't have doors which are proper, don't have water, yeah, don't have lights. So if women, of course, also tend to this thing, go towards the end of the day, so you know there are less people and all that. So because it's so unsafe and it's so open. So they, but if they go towards the end of the day, then they are liable to get be assaulted. जब तुम लोग public toilet जाती हो, तो क्या safe feel करती हो? हम लोग जाते ही नहीं हैं, हम लोग को रुकाना पड़ता है. और 12 बजते ना रात को, तो कोई जाता नहीं है बाथरूम, क्योंकि लड़के रात भर जगे ही रहते हैं उधर. हमारे यहाँ पे जो सार्वजनिक टॉयलेट है, वहाँ पे सब एरिया के औरतों जाती है. जैसा नज़दीक आसपास रहती है ना, वहाँ पे 24 टॉयलेट है, तो वहाँ पे 150 से 200 तक औरत लोग आती रहेगी. वहाँ पे मतलब ऐसे दो बार हुआ था कि वो उधर ना रात को आदमी घुस गया था. तो आप डर लगता है जाने में? हाँ, उसके बाद से ना रात को जाने में डर लगता है. एक ही लाइट है, 24 संडास में एक ही लाइट है. पेट में दर्द होता है तो बीमार पड़ जाते हैं कोई कोई लोग, तो उसके लिए तो कुछ तो करना ही मांगता है.